पता नहीं कौन से पास का वाटर क्रॉसिंग पार करते हुए एजिबल सी हो रही है। तो अभी बारिश शुरू हो गई है, लाइक आप लेंस भी देख सकते हैं पूरी तरह से धुंधला हो गया। पिछले दो दिनों से नींद सही समय पे आ जाती है, दैट मीन्स नींद पूरी होती है, और जिसका रिजल्ट है कि आज मैं 4:30 बजे सुबह में उठ चुका हूँ और अब मुझे दोबारा नींद भी नहीं आ रही है। तो आप क्या करें, इंस्टा यूट्यूब खोल के टाइम पास करें या कहीं घूमने चलें? अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया ना, तो भी मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँगा। हे व्हाट्स अप पीपल, दिस इज सोम श्रीयम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग श्रीयम। तो गाइस, मॉर्निंग वॉक तो मैंने बहुत किया है, पर मॉर्निंग राइड मैंने आज तक कभी नहीं किया है। तो आज सोच रहा हूँ कि कहीं मॉर्निंग राइड पे जाया जाए, ऑब्वियसली अपने साइकिल से। एंड मैंने इतना सुबह सुबह कभी साइकिलिंग नहीं किया है, तो ये भी मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम, तो अगर थोड़ी 19-20 हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। एक मिनट, अभी क्यों लगा रहे हैं? आराम से लगाते हैं बाहर निकल के। तो अभी मैं उठाना मोड़ पे, और मुझे अभी जाना है मधुबनी मेडिकल कॉलेज, जो कि है यहाँ से अप्रॉक्स 5-6 किलोमीटर। एंड ये एक आइडियल डिस्टेंस है आज के लिए, इवन पहले दिन के लिए। जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके अपना जो है वो डिस्टेंस फिर आगे बढ़ाया जाएगा। बट फॉर टुडे अभी वहाँ चलते हैं, और सुबह हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा तेज से पड़ रही है, तो अभी वहाँ चले जाते हैं। बात क्या है ना कि शायद से अभी थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हुई है, जिसके कारण रोड वगैरह पूरी तरह से भींगा हुआ है। तो मतलब अच्छा लग रहा है चलाने में, एंड फिर से पूरी एक मतलब एक अलग ही वाइब आ रही है, एक ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो उसका अलग ही मज़ा आ रहा है। एंड दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। इवन तो जब मैं वॉक करने के लिए भी निकलता था ना, तभी नॉर्मल मौसम रहता था, बट अभी बारिश होने के बाद मज़ा नहीं आ रहा है। ये अपना वॉटसन स्कूल का गेट, और फिर ठीक सामने अपना बाजार इंडिया। वॉटसन की हालत क्या बताओ, पूरी ख़राब कर दी गई है, मतलब पूरा कचरा हो गया है, रोड वोड सही नहीं है। ऐसे में क्या ना कि लोग रनिंग के लिए भी नहीं आ सकते। ये देखा है, जैसा कि मैंने कहा था कि बारिश हुई है, तो अच्छी खासी बारिश हुई है। और ये पता नहीं कौन से पास का वाटर क्रॉसिंग पार करते हुए एज यू कैन सी हो रही है, और ये सब मेन रोड पे। तो अभी पहुंच चुके हैं जी कोतवाली चौक पे। हमारे शहर में इतना वाटर क्रॉसिंग है ना कि आपको मनाली या फिर लेह वगैरह का फीलिंग नहीं आएगा कि आप नहीं हो, पूरा फुल ऑन फीलिंग है। बार बार आपको हर चाप चढ़ाए के बाद एक वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलेगा। मतलब बारिश तगड़ी हुई है। अभी आ चुके मैं पुलिस लाइन पे, देख सकते ये पुलिस लाइन, और वो रहा काली मंदिर जिसका ब्लॉक मैंने बनाया है दिवाली वाले ब्लॉक में, तो आप उसे भी देख सकते हो, उससे मज़ा आएगा देखने में। देखिए अगर रिटर्न आए तो वहाँ भी चलेंगे। आने से मेरा मतलब है कि जल्दी रिटर्न आए, मतलब रिटर्न तो आना ही है यार, बट अगर थोड़ा जल्दी आ गए तो चलेंगे, टाइम रहा तो। तो भैया देखो, बात ऐसी कि बारिश होने शुरू हो गई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट हो रही है। तो अभी वैसा कुछ है नहीं है, रुकना पड़ जाए, बट आई थिंक अगर यही तेज़ हो गया ना तो जल्दी कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ, विश्वकर्मा पे हाथ है, भूख लग गई है, बहुत ज़्यादा भूख लग गया यार। अभी इतनी सुबह कुछ मिलेगा भी नहीं खाने के लिए। तो देखो यार कितना जंगल झाड़ है मेरे पीछे, अभी एक सांप आ गया था आगे में,
मैं टायर के नीचे आया था, मतलब मैं भी हड़बड़ा गया, वो भी हड़बड़ा गया, वो भी छप के भागा, मैं भी छप के भागा, मतलब क्या नागदेव बाबा। वैसे भी कल सोमवार है, भयानक पाप चढ़ता भैया, भयानक पाप चढ़ता। अब रोड देख के चलाना पड़ेगा यार, डर लग रहा है। और ये देखो आगे हम लोग लॉकडाउन ढाबा के पास। बारिश अभी भी हो रही है हल्की फुल्की, फोन तो बच जाएगा ऐसा लग रहा है। कंपनी वाले तो कहते हैं फोन में नैनो कोटिंग है, अब नहीं बात तो कंपनी को क्या, 4 साल पुराना फोन से शूट कर रहे हैं। कोई नहीं तो सर, बारिश मैनेजेबल है, देखिए कहीं ज़्यादा हो गया तो रुक जाएंगे। तो गाइस आई डिड व्हाट आई से, तो अभी फाइनली आ चुके हैं मधुबनी मेडिकल के पास। मधुबनी मेडिकल हॉस्पिटल, लेट मी शो यू फ्रॉम द फ्रंट साइड। फाइनली आई एम हियर एंड एज यू कैन सी ओवर देयर, यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है जहाँ पे रुका जा सके, मतलब कुछ भी नहीं है। और तो देखती है अगर कोई छोटा सा भी दुकान वुकान खुला रहे चाय वगैरह का, तो वहाँ पे रुकते हैं। चाय हो जाएगा, बना रहे को गनीमत से मधुबनी मेडिकल के पास ही एक चाय की दुकान मिल गई थी, वहाँ पे मस्त चाय लिया है। एंड बारिश हो रही है, मैं आपको बारिश दिखाता हूँ। मतलब जब घर से निकला था तो सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, मतलब बारिश होगी पर हो रही है, ये भी अच्छा है। और चाय है और क्या चाहिए लाइफ में, बाकी चाय टेस्ट है। यूट्यूब चलाते हो क्या, वीडियो आता है यूट्यूब पे, तुम्हारा दुकान का भी आएगा, लाओ दिखाता हूँ। देखो मनीष है यहाँ पे लिंक ही दे रहा है, वो सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, हाई कर दे एक बार। ठीक है मनीष जाते हैं, ठीक है बाय कर दे एक बार भाई। मधुबनी मेडिकल मिलते हैं फिर कभी। लड़का बहुत स्वीट था, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा से दे रहा था। और देखो बात करते करते मेरा मास्क कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो ये बारिश भी ख़त्म हुई है और उजाला हो चुका है पूरी तरह से, तो आई थिंक 5:30-6:30 हो रहे होंगे। सोचा था एक दो जगह और जाऊँगा पर अभी देख के लगता नहीं कि जा पाऊँगा, क्योंकि एक तो कीचड़ हो गया होगा, ऊपर से पानी जाम हो गया होगा, एंड अब सीधे घर ही चलना सही रहेगा। इसी जगह पे सांप निकला हुआ था, तो देख रहे बुरा जंगल झाड़ी, उधर बुरा पानी जमा हुआ है। तो अभी मिलते हैं घर पहुंचने के बाद, थोड़ा मैं भी कैमरा के बाहर चीज़ें एक्सप्लोर कर लूँ, थोड़ा फील कर लूँ, सारे पैसा फील हो गया। और जिस जगह पे मैं अभी हूँ और जिस टाइम पे हूँ उसकी फीलिंग नहीं लग पा। सो लाइट से आने के बाद मैं सो गया हुआ था, मस्त नींद आई थी क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा कोजी हो रहा था, तो आते ही बहुत ज़्यादा आलस लगने लगी तो मैं सो गया। और अभी आधे घंटे पहले मेरी नींद खुली है एंड सारे फुटेज को मैं कंप्यूटर में ट्रांसफर करके चेक कर रहा था कि कैसा आया है।
तो सही है, आई मीन फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ शूट किया हूँ एंड पूरा हैंडहेल्ड शॉट है एक फोन से, तो उस हिसाब से स्टेबलाइजेशन भी मुझे ठीक ठाक ही लगी है, तो ठीक है बाकी बनने के बाद पता चलेगा। और सो फाइनली इंडिया के पास गोल्ड मेडल आ गया है, ऑल थैंक्स टू नीरज चोपड़ा भाई, और गोल्ड जीतने की खुशी में देखो आज मेरे घर पे क्या बना है, डोसा। तो अभी मैं डोसा खाता हूँ और थोड़ा संडे को एंजॉय करता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कट भाई, मम्मी आज आलू के परांठे बनाएगी, आलू खत्म हो गए घर में, थारा भाई जोगिंदर आ गया खेत में आलू तोड़ने। थरा भाई जोगिंदर इतने आलू ले आएगा बोरी भर के, इतने आलू पाड़ लूंगा इन खेत में से, इतने परांठे खाऊंगा दही में लगा लगा। गए नहीं खाना?